शराब नीति को लेकर सीबीआई के शिकंजे में फंसे मनीष सिसोदिया ने गुजरात पहुंचकर नया दावा किया। उनका दावा है कि उनके पास बीजेपी नेता का फोन आया और उनसे आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए कहा गया। सिसोदिया के पास फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी है, जरूरत पड़ने पर वो उसे जारी भी करेंगे। बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार। पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। दिल्ली में शराब ठेकों पर जंग हर रोज नया रंग लेती है, हर दिन नए आरोपों से सियासत तेज होती है और आरोपों की इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया ने अब एक ऐसा दावा किया जिसने शराब नीति में पार्टी तोड़ने वाली राजनीति का मुद्दा ला दिया। गुजरात दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप का नया बड़ा बम फोड़ दिया। सीबीआई की सारी कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश से जोड़ दिया। मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा बीजेपी को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। गुजरात पहुंचने के बाद सिसोदिया ने फिर आरोपों वाला वही बाण ताना, सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के सीडी के सीबीआई के केस चल रहे हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहां पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में। सिसोदिया के इस बयान पर दिल्ली में फिर से सियासत गरमाई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं, एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफर किया है। इस सियासी वार पलटवार के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संग्राम तेज होता जा रहा है, जिसका असर गुजरात तक पहुंचाने की तैयारी है। यही वजह है कि सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली पंजाब के बाद अब गुजरात में केजरीवाल की बारी है। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई, वहाँ पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इन हमले और आरोपों के बीच शराब नीति पर लड़ाई तेज होती जा रही है। सिसोदिया के नए दावे के बाद तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह, पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।